Hello students, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will study chapter 1 of Flamingo book, that is the last lesson written by Alphonse Daudet. Okay, so students, first of all we will understand main characters of this chapter and after that I'll give you summary. Okay, so let's understand the main characters of this chapter. So in this chapter there are two main characters. First one is M. Hamel, okay, a French teacher. Second character is Franz, a little school going boy and narrator of the story. Okay, so let's start the summary. It is the story of a school teacher who taught French in a district of France. एक ऐसे टीचर की स्टोरी है जो फ्रांस के एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच टीच करते थे. ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट हैड बीन कैप्चर्ड बाय द प्रशियन आर्मी. उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे एम हेमल टीच करते थे, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को प्रशियन आर्मी ने कैप्चर कर दिया. ओके, एंड ऑल टीचिंग ऑफ द फ्रेंच वॉज डिसअलाउड इन द स्कूल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. और इस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज को डिसअलाउड कर दिया कि इस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं टीच की जाएगी. ओके, एंड फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल. और फ्रेंच टीचर्स को बोला गया कि आप उन स्कूल्स को छोड़ दें. दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द लास्ट लेसन ऑफ वंस अ टीचर. ये स्टोरी एक ऐसे ही टीचर की स्टोरी है, ओके, जिनको स्कूल छोड़ के जाना था और उनको अपना एक लास्ट लेसन देना था फ्रेंच में. ओके, द स्टोरी इज नरेटेड बाई लिटल स्टूडेंट नेम्ड फ्रेंस इन द टीचर्स क्लास. सो इन टीचर की क्लास में, एम हेमल की क्लास में एक स्टूडेंट थे फ्रेंच, ठीक है, और फ्रेंच ने ही इस स्टोरी को नरेट किया है. ओके, सो लिटल फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग. ही वॉज अफ्रेड दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम. सो उस मॉर्निंग क्या था, लिटल फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डर रहा था कि अगर मैं लेट स्कूल जाऊँगा तो एम हेमल मुझे क्या करेंगे, स्कोल्ड करेंगे. ठीक है, सो ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड बिकॉज द टीचर वॉज टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही डिडंट नो अ वर्ड अबाउट दैम. ठीक है, और वो इसलिए भी डर रहा था, ठीक है, फ्रेंच इसलिए भी डर रहा था क्योंकि फ्रेंच टीचर ने एम हेमल ने पार्टिसिपल्स पे उनको टेस्ट दिया था और बोला था कि आपसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट फ्रेंच को एक भी वर्ड पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं आता था. ठीक है, सो लिटिल फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर. ठीक है, सो लिटिल फ्रेंच ने सोचा कि वो वहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे और ओपन में, ठीक है, आउट ऑफ द डोर अपना टाइम स्पेंड करेंगे. ओके, सो ही सॉ द प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड. वॉचिंग दैम सीम टू हिम टू बी फार मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल. ठीक है, अब जैसे ही फ्रेंच स्कूल को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, वो बंक करते हैं और वो एक ओपन स्पेस में चले जाते हैं जहाँ पे प्रशियन आर्मी ड्रिलिंग कर रही होती है. ड्रिलिंग मीन्स मार्च पास. ओके, और ये चीज़ें फ्रेंच को, ये मार्च पास फ्रेंच को बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करता है, टेम्प्टिंग करता है और अट्रैक्ट करता है. ठीक है, और फ्रेंच को लगता है कि पार्टिसिपल सीखने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे इस मार्च पास को इंजॉय करता हूँ. ठीक है, सो हाउ एवर ही हरिड ऑफ टू स्कूल. ठीक है, इतना मार्च पास की तरफ वो इतना अट्रैक्ट हो रहा था, उस ड्रिलिंग की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने सोचा कि नहीं, उसको जल्दी जल्दी स्कूल चले जाना चाहिए. ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागता है. सो ऑन हिज वे लिटिल फ्रेंच पास्ड बाय द टाउन हॉल. और रास्ते में लिटिल फ्रेंच को टाउन हॉल मिलता है. ठीक है, जब वो स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसको क्या मिलता है, टाउन हॉल. ओके, ही सॉ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. और वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और वो बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं. ठीक है, मीन जो उसने गेस कर लिया था कि हो सकता है कि वहाँ पे क्या है, कुछ स्पेशल ऑर्डर है जो कि सारे लोग देख रहे हैं. ठीक है, बिकॉज उससे पहले वहाँ पे जो भी ऑर्डर्स निकलते थे वो वॉर के बारे में होते थे, ठीक है, न्यू रूल्स के बारे में होते थे, तो इसीलिए फ्रेंच ने जजमेंट लगा ली थी कि वहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ होगी. ठीक है, सो व्हेन लिटिल फ्रेंच रीच्ड हिज स्कूल इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट. ओके, जैसे ही लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो वहाँ पे बिल्कुल क्वाइटनेस थी, एकदम साइलेंस थी. देर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क. ओके, नो साउंड ऑफ यूनिसन लेसन्स. ओके, देर वर नन ऑफ यूजुअल नॉइज.
Okay, it was as quiet as Sunday morning. Okay, and all his classmates were already in their seat. ठीक है, so वहाँ पे इतना silence था जैसे कि मान लो Sunday की morning हो. ठीक है, लेकिन जैसे वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि उसकी क्लास के सारे बच्चे आ चुके होते हैं और वो क्लास में बैठ चुके होते हैं. ठीक है, सो द टीचर मिस्टर एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन एंड ही हैड हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. ओके, सो जो एम हेमल थे वो क्या कर रहे थे, क्लास में अप एंड डाउन जा रहे थे, क्लास में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे थे और उनके हैंड में एक आयरन रूलर था. ठीक है, जिसको वो बैंग करते थे कभी भी डेस्क पे स्टूडेंट्स को डराने के लिए. सो लिटिल फ्रेंड्स ओपन द डोर एंड वेंट इन. अब लिटिल फ्रेंड्स किसी भी तरह से थोड़ा सा करेज करते हैं और वो क्लास के अंदर जाते हैं. ठीक है, सो लिटिल फ्रेंड्स डोर ओपन करते हैं और वो अंदर जाते हैं. ही वॉज वेरी फ्राइटेंड बट टू हिज सरप्राइज मिस्टर एम हेमल सेड वेरी काइंडली. ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे फ्रेंड्स. ठीक है, बट अभी जैसे वो क्लास जाते हैं तो उनको थोड़ा सा सरप्राइज मिलता है. ठीक है, तो मिस्टर हेमल सेड वेरी काइंडली, क्योंकि उस दिन मिस्टर एम हेमल उनको बहुत काइंडली बोलते हैं, क्योंकि बाकी दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो एम हेमल का ये लास्ट लेसन है. ठीक है, तो मिस्टर एम हेमल उस दिन पे बहुत ही काइंडली बात करते हैं और बोलते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. ठीक है, कि आप जल्दी जल्दी से अपने प्लेस पे जाओ. देन फ्रेंड्स सॉ दैट द टीचर वॉज इन वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेस. ओके, द वन ही वोर ओनली इन द इंस्पेक्शन ऑन द प्राइज डेज. सो वहाँ पे जैसे ही फ्रेंड्स अंदर जाता है तो फ्रेंड्स नोटिस करता है, एक तो टीचर ने उसको स्कोल्ड नहीं किया. ठीक है, और वो नोटिस करता है कि टीचर ने एक स्पेशल ड्रेस पहन के रखी थी. ठीक है, जो कि स्पेशल ड्रेस स्पेशल डेज में या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स में पहनी जाती थी. ठीक है, सो एंड एट द बैक ऑफ द क्लास द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली. ठीक है, और उसने देखा एक और चीज़ वहाँ पे नोटिस की फ्रेंड्स ने देखा कि बैक साइड पे, ठीक है, क्लास में बैक साइड पे बहुत सारे विलेजर्स आए थे और विलेज के बहुत सारे लोग बैठे थे और बहुत ज़्यादा क्वाइटली थे. ठीक है, एंड एवरीबॉडी लुक सैड, और वो सारे के सारे सैड दिख रहे थे और फ्रेंड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. ठीक है, सो फ्रेंड्स वरीड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वरीड था कि ये क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो गया है कि विलेजर्स भी आ गए हैं, क्लास के सारे बच्चे भी आ गए और सारे के सारे क्या है, साइलेंट और सैड है. सो मिस्टर एम हेमल विगेन इन अ वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन. अब मिस्टर एम हेमल बहुत ही ग्रेव और जेंटल टोन में स्टार्ट करते हैं, बहुत सैड टोन में स्टार्ट करते हैं और एक जेंटल सी टोन में स्टार्ट करते हैं. बाकी दिनों में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनकी जो टोन थी वो इतनी ज़्यादा जेंटल नहीं थी. ठीक है, बट यहाँ वो क्या करते हैं, बहुत ही ग्रेव एंड जेंटल टोन में बोलते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू. ठीक है, बोलते हैं कि माई चिल्ड्रन आज ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने वाला हूँ. ठीक है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द वर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन. ठीक है, क्योंकि एल्सिस एंड लॉरेन टू डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस की जिनको कि प्रशियन आर्मी ने क्या कर दिया था, अपने अंडर कर दिया था. ठीक है, सो बताते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है. ठीक है, कि अभी एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में क्या टीच किया जाएगा, जर्मन. ठीक है, सो एल्सिस एंड लॉरेन क्या है, फ्रांस की टू डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको कि किसके अंडर आ गई, प्रशियन आर्मी के अंडर आ गई है. ठीक है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. ओके, और साथ में ये भी बताते हैं कि न्यू मास्टर कल आ जाएंगे. ठीक है, और वो आपको जर्मन टीच करेंगे, क्योंकि कल से कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं टीच की जाएगी, क्योंकि आज ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का. सो दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और यहाँ पे एमएमएल क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाओ, क्योंकि ये क्या है, फ्रेंच का लास्ट लेसन है, क्योंकि कल के बाद तो क्या आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मन टीच की जाएगी. ठीक है, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम लिटिल फ्रेंच बिगेन टू फील सॉरी. ठीक है, अब फर्स्ट टाइम फ्रेंच को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है दैट नॉट बीइंग सीरियस इन द लेसन, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी सीरियस नहीं हुए थे लेसन में. ठीक है, और उनको अपनी लैंग्वेज भी अच्छे से नहीं आती थी. सो ही वॉज ऑल्सो सैड दैट he would never see M. Hamel again. और वो इसलिए भी sad था कि वो M. Hamel को दोबारा से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि M. Hamel का वो last lesson था
और MML का वो लास्ट डे था और उसके बाद MML को वहाँ से छोड़ के चले जाना था, ठीक है। सो ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द रूलर एंड क्रैंकी नेचर। अब फ्रेंड्स, इससे पहले मानते थे कि जो MML है उनकी क्रैंकी नेचर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे सभी और फ्रेंड्स उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बट आज क्या हो गया था, जो फ्रेंड्स था उसने सब कुछ भूल दिया था, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द रूलर एंड क्रैंकी नेचर, ठीक है। तो MML के क्रैंकी नेचर और रूलर के बारे में वो सब कुछ भूल गया था, ठीक है। सो नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टूड हाउ मिस्टर MML वॉज इन द बेस्ट क्लोज। अब फ्रेंड्स को समझ आ जाता है कि MML आज बेस्ट क्लोज में क्यों है, ठीक है। ऐसी ड्रेस, ऐसी स्पेशल ड्रेस जो कि वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे या स्पेशल डेज पे पहनते थे, ठीक है। अब फ्रेंड्स को समझ आ गया था कि वो स्पेशल ड्रेस में क्यों थे, उन्होंने वो बेस्ट क्लोज क्यों पहने थे। ही ऑल्सो अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। और वो ये भी समझ गया था कि विलेज के जितने भी रिनाउंड पर्सनैलिटीज थी, ठीक है, वो सारी वहाँ पे क्यों आई थी, ठीक है, और क्यों वहाँ पे वो लास्ट में क्लास के लास्ट में बैक साइड में वो बैठे थे। दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर MML's 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। तो MML ने एल्सस के उस स्कूल में 40 ईयर्स सर्विस की थी, ठीक है, और बहुत ही ऑनेस्टली की थी, और इसी ऑनेस्ट सर्विस के लिए वो जो विलेजर्स थे वो थैंकफुल थैंक्स करने के लिए वहाँ पे आए थे, ठीक है। सो मिस्टर MML आस्क्ड फ्रेंड्स टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है। सो MML फ्रेंड्स को बोलते हैं कि आपको क्या करना है, अभी फ्रेंड्स पे पार्टिसिपल्स पे रूल्स को रिसाइट करना है, ठीक है, बताना है कि पार्टिसिपल्स के रूल्स क्या हैं। सो फ्रेंड्स गॉट मिक्स्ड अप वन ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। अब फ्रेंड्स ट्राई तो करते हैं बट वो फर्स्ट वर्ड ही मिक्स कर देता है और एक भी वर्ड नहीं बोल पाता है। बट मिस्टर MML डिडंट स्कोल्ड हिम, ठीक है, बट उस टाइम पे MML उसको स्कोल्ड नहीं करते। इससे पहले MML क्या कर देते थे, स्कोल्ड कर देते थे। तो उनके स्टूडेंट क्या मानते थे कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर और एक क्रैंकी टीचर हैं, लेकिन उस टाइम वो क्या थे, बिल्कुल काइंड हो गए थे। सो ही ओनली सैड यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे MML क्या बोलते हैं फ्रेंच को कि अभी आप अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि आप एक फ्रेंच मैन हो, ठीक है, आप सभी प्राउड करते हैं, सभी यही सोचते हैं कि हम क्या है, फ्रेंच मैन है, और फ्रेंच मैन होने का सभी प्रटेंड करते हैं। बट एक्चुअल में क्या है कि आप ना तो फ्रेंच को फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हैं और ना ही फ्रेंच लैंग्वेज को लिख पाते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट लिटल फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर क्या बोलते हैं, लेकिन तुम इतने भी बुरे नहीं हो, बुरे नहीं हो फ्रेंड्स, ठीक है। सो आगे वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विद, ठीक है, कि हम सबके पास कोई ना कोई बहाना है। हम सब यही बोलते हैं कि कल सीखेंगे और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। देन ही स्पोक इन डिटेल अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड सेड दैट इट वॉज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो MML है वो सबको फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, ठीक है, और डिटेल में बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दिस इज अ वेरी लॉजिकल एंड ट्रांसलेंट लैंग्वेज एंड बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ओके। सो वो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि आपको हमेशा ही अपनी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना होता है। सो मिस्टर MML ओपन्ड अ ग्रामर, ओके, एंड गेव हिज लास्ट लेसन टू द क्लास। अब MML क्या करते हैं, अपनी ग्रामर बुक को ओपन करते हैं और अपनी क्लास को वो ग्रामर लेसन देते हैं। सो लिटिल फ्रेंड्स वॉज अमेज्ड टू सी दैट ही अंडरस्टूड एवरी वर्ड ऑफ इट। लेकिन जो चीज़ें फ्रेंड्स नहीं सीख पाता था, ठीक है, अब इस क्लास में फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीख रहा है, ठीक है, और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता है कि वो आज हर एक वर्ड को अच्छी तरह से समझ पा रहा है, ठीक है। सो मिस्टर MML एक्सप्लेन एवरीथिंग विद ग्रेट पेशेंस, क्योंकि अब MML क्या कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेट पेशेंस के साथ हर एक चीज़ को टीच कर रहे हैं। आफ्टर द ग्रामर ही गेव प्रैक्टिस इन राइटिंग। ग्रामर के बाद MML उनको राइटिंग की प्रैक्टिस देते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज की राइटिंग की प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है। वाइल द स्टूडेंट्स वर बिजी विद देयर राइटिंग, जब स्टूडेंट्स वहाँ पे अपनी अपनी राइटिंग में बिजी थे, सो मिस्टर MML गेज्ड एट एवरीथिंग इन द लिटिल क्लासरूम। जब सारे के सारे
जितने भी क्लासरूम में स्टूडेंट और जितने भी विलेजर्स आए थे वो सारे के सारे राइट करने में, फ्रेंच लैंग्वेज को राइट करने में बिजी थे। तो उस टाइम पे MML क्या कर रहे थे, उस छोटे से क्लासरूम में हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से गेज कर रहे थे, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे। इट वॉज एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड, ठीक है, ऐसा लग रहा था मानो वो हर एक चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर देना चाहते थे, जो भी वहाँ पे था वो हर एक मेमोरी को अपने माइंड में फिक्स कर देना चाहते थे। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू थिंक दैट इट वॉज टू लीव इट ऑल, और उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और उनका जो हर्ट था वो ब्रोक हो रहा था कि इन सारी चीज़ों को छोड़ के उनको जाना पड़ेगा। सो ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है, और एकदम से चर्च क्लॉक पे 12 o'clock हो जाते हैं, ठीक है, तो चर्च क्लॉक से सिग्नल आता है 12 o'clock होने का, ठीक है। देन द साउंड ऑफ द मिड डे प्रेयर वर हर्ड, और वहाँ पे मिड डे प्रेयर का साउंड सुनाई देता है चर्च में, ठीक है, बिकॉज दैट इज द क्रिश्चियन कंट्री, सो वहाँ पे चर्च से साउंड आता है, ठीक है। सो एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल वर हर्ड, और जो प्रशियन आर्मी को फ्रेंच ने मॉर्निंग में देखा था, ठीक है, और फ्रेंच अट्रैक्ट हो गया था उनके ड्रिलिंग को देख के, उनके मार्च पास को देख के, उनके ट्रम्पेट साउंड को सुन के, ठीक है। सो अब क्या होता है, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्न फ्रॉम ड्रिल वर हर्ड, सो अभी जैसे ही वहाँ पे MML टीच कर रहे होते हैं तो वो विंडो से नीचे उनको दिखाई देता है कि वहाँ पे जो प्रशियन आर्मी है वो ट्रम्पेट बजाते हुए आती है, मार्च पास करते हुए आती है, ठीक है, और 12 o'clock हो चुके थे। और अब मिस्टर MML क्या बोलते हैं, मिस्टर MML स्टूड अप टू से समथिंग बट कुडंट, ठीक है। अब MML वहाँ पे स्टैंड हो जाते हैं और कुछ बोलने लगते हैं, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। ही वॉज चोक्ड विद इमोशन, अब वो अपने इमोशन से चोक हो गए थे, ठीक है, उनका गला क्या हो रहा था, घुट रहा था, किसी चीज़ को नहीं बोल पा रहे थे वो, उनके अंदर ऐसे इमोशन हो रहे थे जैसे आप किसी चीज़ को छोड़ते हो तो आपके अंदर ऐसे इमोशन आते हैं कि आपको रोने का दिल करता है, ठीक है। तो MML के अंदर भी वही सारे इमोशन चल रहे होते हैं। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, अब उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ चॉक उठाया और ब्लैक बोर्ड पे लिखा एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, ठीक है, ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड, ओके, एंड ही हैज रिटन स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, ठीक है, वाइवला फ्रेंड्स मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, ओके। सो स्टोरी कंप्लीटेड हियर, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। So that's all for today. See you soon.